सो वेल हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल डक गेमिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। सो बेसिकली ये वीडियो कोई सीरीज़ का नहीं होने वाला है और ये वीडियो हैक का भी नहीं होने वाला है। और बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई सेटिंग्स किस तरह रखते हो आप और क्या क्या सेटिंग रखते हो आपके ARK में। सो ये बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पता चले कि किस तरह सेटिंग रखना चाहिए आप ARK खेलते हो ना, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ARK आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पे प्ले कर देते हैं, और प्ले करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर। सो बेसिकली आप मल्टीप्लेयर सबसे पहले मत खेलो, सबसे पहले सिंगल प्लेयर खेलो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। सो बेसिकली आपको 3 सर्वाइवल मोड और डिफ़िकल्टी मोड भी दिखने को मिलेगा। सो सर्वाइवल मोड पे आपको कैजुअल, सर्वाइवल और हार्डकोर मिलेगा। सो बेसिकली आप बिगिनर हो तो कैजुअल रखिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो सर्वाइवल, और आप प्रो हो तो हार्डकोर रख सकते हैं। और थोड़ा डिफरेंट है, कैजुअल में आपको जैसे आप कोई स्ट्रक्चर्स तोड़ते हो वो आपको वो सभी स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा, और जब भी आप मरते हो आपका सामान आपके पास ही रहता है। बट सर्वाइवल्स और सर्वाइवर जो है सर्वाइवल डिफ़िकल्टी में, उसके अंदर आप जब भी कोई स्ट्रक्चर तोड़ते हो उसके अंदर आपको ये हो जाता है, मतलब आधा चीज़ मिलता है, और जैसे आप मरते हो आपका इन्वेंट्री सारा चला जाता है। बट वैसे ही हार्डकोर में बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, और एक एडवांटेज भी है हार्डकोर में, आपको एक्सपीरियंस और हार्वेस्टिंग रेट है वो बढ़ जाता है। बट आप जैसे ही मरते हो आपका एक्सपीरियंस, इंग्रम सब कुछ चले जाता है। और डिफ़िकल्टी में आए तो इजी, मीडियम और हार्ड है। इजी में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 लेवल के अंदर जो डेनोस रहते हैं वही मिल जाता है, 30 लेवल के ऊपर एक भी डेनो आपको नहीं मिलेगा सिवाय केव के अंदर। और जैसे ही आप मीडियम पे आते हो तो आपको एक्सपीरियंस जो रेट है 20% डिक्रीज हो जाता है, और इस सर्वाइवल में आपको 150 तक डेनोस मिल जाता है, मतलब 150 लेवल तक डेनोस मिल जाता है, उसके ऊपर नहीं मिलता है। बट आपको हाई लेवल का डेनोस चाहिए तो भाई केव के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको ज़बरदस्त डेनोस मिलेगा 200-300 तक। और हार्डकोर पे आए तो भाई 50% स्लो हो जाता है, और आपका एक्सपीरियंस और 300 के ऊपर का डैमेज आता है, और ब्रूटल बहुत ही डिफ़िकल्ट है, 450 के ऊपर जानवर आता है। और आप 3-4 परस्यूट कंप्लीट किए तो भी आपका एक्सपीरियंस जल्दी नहीं बढ़ता है। तो चलो मैं गेम स्टार्ट कर लिया हूँ वहाँ से। सो बेसिकली आपको अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करना होगा, तो ये स्किन कलर है जो कि हम स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, आई का कलर चेंज कर सकते हैं, और अपना हेयर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, और उसका लेंथ भी हम रखने वाला है। सो मैं फ़िलहाल के लिए मेरा स्किन नॉर्मल रख रहा हूँ, और आइस का कलर ब्लू रख रहा हूँ, और हेयर ब्लैक, और पूरा लेंथ ही छोड़ रहा हूँ। और आप बॉडी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि नेक का लेंथ और चेस्ट का लेंथ, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर जैसा। सो मैं फ़िलहाल के लिए वही कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा रिस्ट और थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसा तो लगना चाहिए। सो थोड़ा हाइट बढ़ा देता हूँ उसका। सो इस तरह आप पूरा बॉडी का मॉडिफिकेशन कर सकते हो यहाँ पे। और आपको रैंडम चाहिए तो 1, 2, 3 जो लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है वहाँ पे मिल जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक किए तो रैंडम सा एक फिगर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जियो है, और मैं ये हटा के मैं डार्क एम्परर रखने वाला हूँ यहाँ पे। सो चलो डार्क एम्परर रख देते हैं। सो इसके एंडिंग में मैं जो 3 वर्ड जॉइन कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्रिफिन को टेम करना चाहते हो तो वो ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, लॉट और मिर। आप जॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि जॉइंट रखे तो ये सरनेम लगता है, और इसी टाइप का ग्रिफिन जो है आपको रेस्पेक्ट करता है। आप 40 लेवल के ऊपर, मतलब 40 लेवल तक पहुंच जाए तो आप ग्रिफिन को टेम कर सकते हैं इजी से। और ये जो मैप है पूरा आपको ब्लैंक दिखने वाला है यहाँ पे, और आप यहाँ पे जो चाहे वहाँ पे आप स्पॉन हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ये देखो साउथ जोन 1, ईस्ट जोन 1, उसके नीचे जो है वो डिफ़िकल्टी है, मीडियम डिफ़िकल्टी है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर स्पॉन होने वाला हूँ, तो स्पॉन होते ही आपको इस तरह जो लुक है वो दिखने वाला है। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनर के लिए है, क्योंकि मेरे जो वीडियो देखते हैं उसमें 20-25% जो है वो बिगिनर्स है। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि उन लोगों को पता चले कि किस तरह सेटिंग रखना चाहिए और किस तरह ये गेम खेला जाता है।
सो बेसिकली इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाला है कि किस तरह खेला जाता है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम सेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो था हमारा स्टैट्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इंग्रम्स दिख जाएगा, उसके बाजू में गए तो आपको पूरा सेटिंग दिख जाएगा। सो एक्सप्लोरर नोट आपको पास कलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 130 एक्सप्लोरर नोट है इस गेम में, तो हमारे पास फिलहाल के लिए जीरो है, एक भी हम कलेक्ट नहीं किया है। सो उसके नीचे आपको मैनुअल सेव, टाइनी सेव और सपोर्ट कोड मिल जाएगा। सपोर्ट कोड से आप ऑनलाइन जो चीज़ें खेलते हो वो सभी सोलो गेम में आप लेके आ सकते हो। और ये गेम का जो है, सो उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको एक मैप भी दिया होगा, सो वो भी आप देख सकते हैं। और गेम में आप हॉट बार ऑन स्क्रीन रख दीजिए, क्योंकि ऑन स्क्रीन के ही ऊपर आपको दिख जाएगा 10 के 10 चीज़ें जो कि आपने इन्वेंटरी में रखते हैं। आप ये डिसेबल किया तो भाई थोड़ा मुश्किल होने वाला है। सो मैं स्पेशल अटैक किस तरह यूज़ करता हूँ बहुत लोग पूछ रहे थे। ये देखो, लेफ़्ट मल्टी टैप के ऊपर आप क्लिक करते आपको जो चाहिए वो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जो बेसिकली मैं जंप एंड अटैक 1 रख देता हूँ, और मैं राइट मल्टी टैप के ऊपर अटैक 2 रख देता हूँ। सो इस तरह मैं जितने भी चीज़ें जो है, मतलब एनिमल्स का जो स्पेशल पावर्स है और स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो आसानी से यूज़ कर सकता हूँ मैं। सो उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। और जैसे ही मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर विजुअल और कैमरा मोड चेंज करने का ये रखा हूँ, और उसके साथ ही राइट मल्टी टैप के ऊपर मैं विजुअल का मेन्यू रख दिया हूँ, और ये ऑडियो है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे आए तो आपको ऑन स्क्रीन जंप और अटैक बटन दिख जाएगा। आप स्पॉल्प में क्लिक किया तो आप छोटा सा ये दिख जाएगा आपको, अटैक का बटन और जंप का बटन। जो आप स्क्रीन के ऊपर करते हो ना, वो जंप और अटैक का बटन ये करना होगा। और वही आप लार्ज किया तो थोड़ा आसानी होगा कि खेलने के लिए आपको जंप और अटैक का बटन। आप बिगिनर हो इस गेम में तो ये ट्रिक बहुत ही काम आएगा आपको। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको टैप टू माउंट ये सभी चेंजेस करना होगा। चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और जैसे ही मैं एक दबाया हूँ, लेफ़्ट शूट बटन जो मैंने एनेबल किया हूँ, उसकी वजह से मेरा स्क्रीन के ऊपर एक लेफ़्ट का ये आ रहा होगा आपको पंच ऑप्शन। सो वहाँ पर दबा के भी आप ये कर सकते हो। और जैसे ही ये देखो, आप क्रिएचर्स का जो स्टैट्स है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा आसानी से। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई आपको जो स्टैट्स है पूरा किस तरह दिखता है। जैसे कि आप वीडियो के ऑप्शन जाए तो आपको एक ये मिल जाएगा ऑप्शन। सो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ, ये देखो, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मेल या फीमेल बता देता है आपको। और जैसे ही वीडियो का ऑप्शन, ये देखो, इसका भी फीमेल दिखा रहा है। सो वीडियो के ऑप्शन में जाए तो आप अप्लाई कर दीजिए फुल स्टैट्स के ऊपर, तो आपका पूरा फूड, वाटर, ऑक्सीजन सब कुछ ये आ जाएगा। और आप गूगल से लॉगिन हो तो आप एनेबल रिकॉर्डिंग का ये भी एनेबल कर सकते हैं, जो कि मेरा लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा राउंड बटन जो कि रिकॉर्ड करता है आपके गेम को। उसके बाद बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई मेरा गेम लैग हो रहा है, इसलिए ये देखो, ग्राफिक्स क्वालिटी और रेजोल्यूशन दोनों है, दोनों को कम कर दीजिए आपकी गेम के अंदर। ये देखो, लो और पूरा रेजोल्यूशन कम कर दिया भाई, कतई मक्कन जैसा चलेगा आपके पास 4GB रैम हो तो। अब बस शेडो वेडो कुछ नहीं दिखता है फिलहाल के लिए, मेरे पास 8GB का फ़ोन है तो कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है यहाँ पे। और इसके अंदर बैटरी कंजप्शन मोड भी है, आप वो भी डिसेबल कर सकते हैं, मतलब एनेबल कर सकते हैं, मतलब कम लेता है बैटरी पावर। ऑडियो में आप चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप शॉप में आ जाइए तो शॉप में थोड़ी बहुत सामान आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। बट आप इसके लिए एम्बर लगता है, एम्बर आपको गेम में या आपको ख़रीदना पड़ता है। सो मैंने सभी सेटिंग्स और सब कुछ बता दिया हूँ फ़िलहाल के लिए। तो नेक्स्ट एक और वीडियो आने वाला है कि किस तरह खेला जाता है यार के मोबाइल। सो तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह ARK गेम खेला जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए डायनासोर और कुछ नए टॉपिक के साथ। अनटिल देन टेक केयर, गुड बाय। हाँ, उसके साथ ही एक और छोटा सा प्यारा सा डिस्कॉर्ड सर्वर है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप ARK गेम खेलना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करते ही प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और चीज़ बतानी थी, आप लेफ़्ट
जो कॉर्नर है वहाँ से स्वाइप करें तो थोड़ी बहुत ऑप्शन मिल जाता है विजुअल और चेंज व्यू, इस तरह कैमरा मोड, इस तरह का। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।